श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के सभी अध्याय और तृतीय स्कंध के लगभग 13 अध्याय द्वितीय स्कंध के सभी अध्याय जिसमें कि ये अंतिम अध्याय जो है 10 अध्याय थे और द्वितीय स्कंध ध्यान विधि और भगवान के प्राट स्वरूप का वर्णन से प्रारंभ होता है और भागवत के 10 लक्षण पर समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध उद्धव और विदुर जी की भेंट से प्रारंभ होता है और इस स्कंद का ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि का वर्णन ये 20वां अध्याय है। इसमें कुल 33 अध्याय है। यहाँ तक हम आज सारांश, क्योंकि अगर लगातार पढ़ते हैं तो 8 घंटे की ये भागवत महापुराण ये अध्याय द्वितीय और तृतीय स्कंद होंगे। अगर हम तृतीय स्कंद को पूरा पढ़ते हैं तो लगभग 6 घंटे का है लगातार पढ़ने का, और द्वितीय स्कंद 1 घंटे का है, और इसको अगर थोड़ा श्लोक सहित पढ़े तो 2 घंटे। इसको 8 घंटे को 30 मिनट में समेटने का हमने प्रयास किया है, जो माँ सरस्वती से प्रार्थना है, उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। यह जो इस दोनों स्कंद में बात कही गई है आप तक पहुंचे। जो प्रथम द्वितीय स्कंद की हम बात करते हैं, इसमें सारांश में यह बताया गया है आ उ और मा ओम। जो ओम है, ओम का उच्चारण भगवान के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में हम ध्यान करके कर सकते हैं। कैसे? पहला क्या, जो लोग परमपिता परमेश्वर की कोई आकृति के रूप में नहीं मानते और उन्हें अनंत मानते हैं, उन लोगों के लिए ध्यान है कि आप भगवान को, उस परमपिता परमेश्वर को पूरी सृष्टि में समाया हुआ समझें और उनकी कल्पना करके पूरे ब्रह्मांड में वो समाये हुए हैं। इस तरह का ध्यान करें और मन मन में करें, इसकी आवाज दूसरे व्यक्ति तक ना जा पाए। विज्ञान में भी कहा गया है कि इस शरीर में जो तंत्रिका तंत्र सिस्टम है वो और पूरा ब्रह्मांड लगभग एक सा ही है। आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये पूरा का जो शरीर बनाया है, पूरा शरीर ये बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक है, और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे ध्यान की विधि के द्वारा
परमपिता परमेश्वर को समझा जा सकता है। आप पुस्तकें पढ़ के उसके बारे में जानकारी तो जुटा सकते हैं, लेकिन अनुभव ध्यान के द्वारा लगातार जब आप अभ्यास करते हैं, साथ में किसी सदगुरु की कृपा हो जाती है या परमपिता परमेश्वर की अनायास कृपा हो जाती है, तभी जाके हमें वो अनुभव होते हैं। इसमें सृष्टि के वर्णन के बारे में पूछा कि नारद जी ने अपने ब्रह्मा जी से पूछा था कि सृष्टि किस तरह से बनाई गई, तो उसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। सृष्टि के लिए जब नारद जी ब्रह्मा जी से जो पता करते हैं कि हे पितामह, आपने पूरी की पूरी सृष्टि बना दी और ऐसे बनाई जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है और उसे अपने अंदर समेट लेती है, आपने ये सारी सृष्टि बनाई है, तो क्या आप ही सब कुछ हैं या आपसे परे भी कोई चीज है? मतलब आप ही भगवान हैं, सब कुछ है, या आपसे भी बाहर कोई भगवान है? आपने सृष्टि किस तरह से बना दी और इसका इसके पीछे क्या रहस्य है? ये वाली बात नारद जी ने संकादिक ऋषियों से डिस्कस की थी, संकादिक ऋषियों ने भी ये बात पूछी थी जो बताई गई, और हेमशरण में सोनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे, और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताई थी और उद्धव जी ने विदुर जी को बताई थी। हुआ क्या था कि विदुर जी महाराज, जब ये कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि भाई ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, वो भी अपने बच्चे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे हैं, आप उन्हें 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में संतुष्ट रह लेंगे, और आप ये युद्ध मत होने दो, इस युद्ध में अपने ही बच्चे मारे जाएंगे, इधर हो या इधर हो, दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। तो दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान कर दिया और धृतराष्ट्र चुप रहे थे। तो विदुर जी ने क्या किया, वो वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, हरिद्वार काशी इस तरह से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब विदुर जी जब तीर्थ यात्रा पर निकल गए और जब वापस आए, तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था और उनकी मुलाकात मैत्रेय जी से हुई थी। मैत्रेय जी से मुलाकात कैसे हुई कि जब वो युद्ध समाप्त करके वापस पहुंचते हैं हस्तिनापुर, तो वहां उससे बाहर ही विदुर जी को उद्धव जी मिल जाते हैं और उद्धव जी से पूछते हैं विदुर जी कि भाई क्या क्या हाल है, युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, कौन कौन बचे, कौन कौन स्वर्ग चले गए या दूसरे लोग चले गए। तो उद्धव जी कहते हैं कि भाई अभी तो कोई नहीं रहा, इवन भगवान श्री कृष्ण भी अपना शरीर पूरा कर गए हैं। तो वो कहते हैं कि विदुर जी, अरे भगवान श्री कृष्ण शरीर पूरा कर गए, ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने कुछ तो बताया हो, मैं तो उनका बहुत भक्त हूँ, मैं तो दिन रात उनका नाम जपता हूँ, उन्होंने क्या मेरे लिए कुछ रहस्य बताया? मुझे तो उनसे बहुत सारा ज्ञान लेना था। तब उद्धव जी कहते हैं कि ये सारा ज्ञान उस समय जब शरीर पूरा करने वाले थे भगवान श्री कृष्ण मैत्रेय जी को दिया था, और उन्होंने कहा था ये जानकारी मैत्रेय जी विदुर को बताएंगे, आप सीधे मत बताना, तो आप वहां पहुंचो और मैं तब के लिए जा रहा हूं। ये संक्षेप में बात। तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी बता रहे कि भाई हुआ ये कि एक कमल में मैं बैठा हुआ था, आंख खुली, और मैंने चारों तरफ देखा कि कमल के फूल पर मैं बैठा हुआ हूं, गद्दी पर, कमल के फूल की गद्दी पर, और कहीं कुछ नहीं। अब मैंने ये सोचा, ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं कौन, और चारों तरफ जल ही जल है, और मेरा यह जीवन
लेने का या जीवन जो भी है, जो मैं जो भी हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? ये ब्रह्मा जी की समस्या नहीं, हम सबकी समस्या है कि हम ये नहीं पहचान पाते कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तभी क्या होता है, आवाज आती है तप 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 करो, यानी कि तप करो। वो ऐसा सारा सोचते हैं और वो पहले तो कमल की नाल में घुस के अंदर तक जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका सिरा कहाँ है, कहीं नहीं मिलता। फिर वो बैठ के तप शुरू कर देते हैं, यानी कि ध्यान शुरू कर देते हैं। इसी ओंकार स्वरूप पे ध्यान करते करते जब उनकी तपस्या कई वर्षों की हो जाती है, ब्रह्मा जी के तो वर्ष भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तब उन्हें उनके हृदय में कमल नयन भगवान श्री विष्णु का दर्शन होता है। भगवान श्यामल शरीर, पीला वस्त्र, वनमाला गले में पड़ी हुई, हाथ में चक्र, शेष सैया पर, चारों तरफ जल जल, विभिन्न देव महादेव सब उनकी अर्चना कर रहे हैं। और इतना और ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी मंद मंद मुस्कान कि परमेश्वर जैसे अभी अपने भक्तों को मन चाहा वर दे देंगे। माँ लक्ष्मी जो उनकी शक्ति है महामाया, वो उनके चरण दबा रही है। ये देखकर अचंभित हो गए कि मैं कहाँ आ गया। इन्होंने प्रणाम किया और शांत होकर उन्होंने ये कहा कि प्रभु मैं कौन हूँ, आप जरूर वही हैं जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे भेजा है, और आप की स्तुति करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं, शब्द नहीं, क्योंकि शब्द और शक्ति से आप परे हैं। आप इस स्वरूप में दर्शन तो दे दिए लेकिन ये स्वरूप से भी परे हैं, आप कण कण में आप समाये हुए हैं। अब आप मुझे आदेश दो कि मैं क्या करूं। तब वो कहते हैं कि आप तब करके सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी को रचने जो अपने श्री हरि हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, वो परम पद जिनको सतनाम कहते हैं, भगवान सतनाम, वो कहते हैं कि आप सृष्टि की रचना। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू करते हैं और सृष्टि की रचना में जैसे वो सोचते हैं उस तरह की रचना हो जाती है मानसिक, जो वास्तव में दिखने लगती है। जैसे आप अभी सोचो और अभी कोई टेक्निक हो कि आप सोच रहे हैं, वो सब सामने चलचित्र चलने लगे। कभी कभी सपने में होता है, आप अपने सपने के ब्रह्मा होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी जिस तरह से सृष्टि को सोचते थे वैसे हो जाती थी। जिसमें ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, एक बार उनके मन में ख्याल आया तो राक्षस और यक्ष बन गए, जो उन्हें खाने दौड़ने पड़े, ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ा। दूसरी बार उन्हें ख्याल आया सूक्ष्म जीव बने, उसमें कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव बने, वो सूक्ष्म जीव भी उतने अच्छे नहीं बने जो ब्रह्मा जी चाह रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियां बनी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जैसे जैसे धीरे धीरे सोच रहे थे वैसे वैसे सृष्टि बनती जा रही थी। ब्रह्मा जी को कई बार शरीर भी छोड़ना पड़ा, फिर पुनः शरीर ग्रहण किया, फिर सृष्टि बनाने का प्रयास किया और कई बार उन्होंने सृष्टि वो खत्म कर दी। फिर उन्होंने देव बनाए, देवता, जो देवता बनाए थोड़ा संतुष्ट हुए, देवता बनाए कि हाँ भाई ये कुछ राक्षस भी बन गए, गंधर्व भी बन गए, किन्नर भी बन गए, भूत बन गए, पिशाच बन गए, बहुत सारे जीव जंतु बन गए, पक्षी बन गए, अब किन्नर भी बना दिए। और किन्नर के बाद उन्होंने देवता भी बनाए, अभी थोड़ी संतुष्टि हुई।
अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसा बने कि सृष्टि चले, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा। तो तृतीय अध्याय में जाके बताते हैं ब्रह्मा जी कि उन्होंने सबसे पहले सनकादिक ऋषि जिन्हें ब्रह्मपुत्र, सब प्रथम ब्रह्मपुत्र हैं, सबसे बड़े हैं अपने सनकादिक ऋषि, उनको बनाया। और ये जो सृष्टि थी मानसिक थी, जैसा उन्होंने सोच लिया वैसा बन। सनकादिक ऋषि जो आत्माएं आई वो ऐसी थी कि वो सीधे उन परमपिता परमेश्वर का ध्यान करती थी और वहां तक जुड़ जाती थी। वो जो सतलोक है भगवान का, वहां पहुंच जाती थी, उनसे भी, ब्रह्मा जी से भी, देवों को देव महादेव से भी, और सब जगह कहीं भी जाते आते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, आगे सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा पिताजी हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे, ये तो हम चक्कर में फंस जाएंगे, हम तो बस ध्यान करेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर की पूजा पाठ करेंगे, बात खत्म। और भगवान से, भगवान के पास आने जाने लगे, भगवान सुदृश्य हो गए, उनको हम सनकादिक ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा जी बड़े निराश हुए, बोले ये औलाद भी नहीं बड़ी। फिर ब्रह्मा जी ने और पुत्रों को जन्म दिया, बनाया, और उनसे कहा कि ऐसा है कि आप महाजन हो, आप लोग सृष्टि का विस्तार करो, और आप जो है और मेरी सृष्टि को बढ़ाओ जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो उन लोगों ने भी क्या किया, वो लोग तप करने लगे। तो नारद जी ने उन्हें समझा दिया कि देखो प्रजापतियों, तुम्हें फंस जाओगे चक्रों में, तुम भगवान का नाम लो और ऊपर जुड़ जाओ, ये बहुत बड़ा फेरा बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, जो फंस जाओगे निकल नहीं पाओगे। वो जो प्रजापति थे उन्होंने भी संतान आगे नहीं बढ़ाई। ब्रह्मा जी नारद जी से भी नाराज हुए, बोले तू बहुत ज्यादा सबको बेवकूफ बना रहा है, यानी कि मेरी सृष्टि नहीं बढ़ेगी, भगवान खुश नहीं होंगे, और मैं सृष्टि बनाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पूजा पाठ करे, भगवान की पूजा पाठ करे, एक सिस्टम बना दे, और तुम कुछ बनने नहीं दे रहे हो, ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हो। एक तुम एक जगह नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम एक जगह रुकोगे तो सारे भंडाफोड़ करोगे, तुम्हें तो सारी सच्ची बातें पता है, तो तुम घूमते रहो। अब ये घूमने लगे, तब ब्रह्मा जी ने मनु को पैदा किया। मनु जो प्रथम एक मानव स्वरूप बनाया, उनकी पत्नी बनाई, और उनसे कहा कि देखो अब तुम सृष्टि की संरचना करो। तो मनु ने कहा कि प्रभु मैं अपनी पत्नी के साथ सृष्टि की रचना भी करूंगा, आप जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, हम आपको ऐसी विधि दे रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम दे रहे हैं कि आपको संतान बढ़ाने में आनंद मिलेगा, भावनाएं, और उस आनंद को आप भोगोगे। यानी कि पहले आनंद मिल रहा था केवल परमेश्वर से जुड़े, परमानंद वही है। उन्होंने कहा आप सृष्टि करोगे, आनंद लोगे, काम का, क्रोध का, मद का, मोह का सारे, और इसके साथ साथ परमपिता परमेश्वर का ध्यान करोगे, और फिर ऊपर आओगे। अब ये कर्म चक्र बना दिया। अब तो मनु जी ने आगे सृष्टि को उसको बढ़ाया, देवता बड़े खुश हुए, क्योंकि मानव एक ऐसा सबसे श्रेष्ठ जीव बनाया था ब्रह्मा जी ने, जो पूजा करेंगे, जो हवन करेंगे, जो यज्ञ करेंगे, उसका भाग देवों को मिलेगा, और पितरों को चाहेंगे तो पितरों को मिलेगा, जिसके नाम से वो हवन पूजा यजन करेंगे वो भाग उन्हें मिलेगा। तो अब भाग देने वाला पैदा हो गया मानव। अब मानव को वो शक्ति है कि वो पितरों का यजन पूजन हवन करके पितरों को खुश कर ले,
देवों को खुश कर ले, भूतों को खुश कर ले, पिशाचों को खुश कर ले, जो चाहे वो कर ले, वो शक्ति मानव के पास आ गई और देव लोग सब खुश हो गए, बोले बहुत बढ़िया, हमारे लिए आहार देने वाला कोई बना। और ये मानव शरीर इतना अच्छा बनाया गया कि इससे आदमी परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। अब आत्माएं इधर उतार, अब देखो मानव की मुक्ति के लिए, उन आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए कि भाई तुम यहां फंसे हुए हो, अच्छा बुरा ये सब ज्ञान दे दिया गया है। जब तक आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं दिया गया था, आप मालिक के खास थे, परमपिता परमेश्वर के खास थे। लेकिन अब आपको ज्ञान दे दिया गया है, वेद दे दिए गए, हमारे यहाँ वेद कहते हैं, वेद दे दिए गए, ज्ञान दे दिया गया है। अब आपको जो अच्छा और बुरा और पूजा पाठ सब बता दी गई है, देवताओं की पूजा करोगे देवलोक में चले जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितृलोक में चले जाओगे, भूतलोक में पूजा करोगे भूतलोक में चले जाओगे, यक्षों की पूजा करोगे यक्षलोक में चले जाओगे, अपनी कोई इच्छा मांगने के लिए पूजा पाठ करोगे तो आपको वो इच्छाएं प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है आप ईश्वर से कुछ मांगो ना मिले, वैसा है उससे बेहतर आपको जरूर मिलेगा, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन मुक्ति चाहोगे यानी कि ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से जहां से आए थे वहां जाना चाहोगे तो वहां चले जाओगे। ये रास्ता दिखाने के लिए आंशिक रूप से ईश्वर अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब लोग सोचते भगवान जी या ईश्वर यहां आ गए, ना, अवतार का मतलब है अपनी शक्ति किसी शरीर में देना और विशेष काम करवा लेना। जैसे संत होते हैं, संत लगातार ध्यान करते हैं जप करते हैं, तो धीरे धीरे उन संतों का वहां से कनेक्शन हो जाता है, ईश्वर वहां उसमें वो शक्ति दे देते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा उनका मैसेंजर जो उनका संदेश है वो आम जनता तक पहुंचा देते हैं। तो बहुत से संत होते हैं, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, श्री नानक देव महाराज ऐसे ही संत थे जो सतनाम स्वरूप में उन्होंने परमपिता परमेश्वर का संदेश पहुंचा है। अनेक अनेक संत ऐसे रहे हैं जिनका इतनी अपने आप वर्णन नहीं कर सकते, अपने विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, चवन हैं, आधुनिक समय में अपने नानक देव महाराज थे, और भी अन्य अन्य जातियां हुई हैं, अन्य अन्य संत हुए हैं और उन्होंने उस परमेश्वर का जो संदेश है वो सबको दिया है कि भाई इन झंझटों में फंसे मत रहो, ये सब काम करो, मना किसी को नहीं, गृहस्थी का पालन करो, लेकिन इसके साथ उस परमेश्वर से इस मानवीय काया के द्वारा जुड़ सकते हो और उसका ध्यान करो, और जो मृत्यु का परीक्षा का समय आता है उस समय ईश्वर का ध्यान बना रहे ऐसी अपनी जीवन शैली बना लो तो आपका पार हो जाएगा मामला। वो ये भी बताते हैं कि सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब पहले एक परमाणु बना था। अब देखो पुस्तक कितने पहले लिखी गई और उससे पहले पुस्तक नहीं थी, एक दूसरे को ऋषि मुनि बताते थे, तब ये कहा गया था एक परमाणु बना था, उस परमाणु से दो परमाणु को मिला के एक अणु होता है और तीन अणुओं को मिलाने से एक त्रिशरेणु होता है, उसके झरोखे में से आई हुई सुई की किरणों के एक प्रकाश में आकाश में उड़ता हुआ देखा जा सकता है, ऐसे तीन त्रिशरेणु को पार करने में सूर्य का जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। यानी कि परमाणु अणु और त्रिशरेणु, यानी कि उस समय भी बताया गया था कि कोशिका जो बनी है वो परमाणु से अणु से फिर कोलोइड हुई, कोलोइड होकर कोशिकाएं बनी, कोशिकाओं में जीवन आया, परमेश्वर ने जीवन दिया। ये बात आपकी भारतीय ग्रंथों में लिख दी गई थी और एक दूसरे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो बताते थे। यही बात आपको आधुनिक साइंस में 1924 में एआई ओपेरिन ने भी कहा था, जो सबसे ज्यादा सिद्धांत माना जाता है कि पहले परमाणु था, फिर अणु था, फिर वो मिले, फिर वो कोलोइड सा बना, फिर सेल्स बनी। आर्ट्स उसने पदों में बताया कि इनकी उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति कोशिका की हुई, जबकि लुईस पाश्चर ने मना किया था, नहीं जीव की उत्पत्ति जीव से हो सकती है। अभी तक कोई ये साइंटिस्ट सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन ये लिखा हुआ है। जीपीएस हेल्डन थे
1961 में आ गए थे साइंटिस्ट थे, 1961 में इंडिया आए थे नेहरू जी के समय में, इन्होंने भी यही कहा था। लेकिन ये क्या था, पथ भ्रष्ट हो गए या जो भी हुआ भगवान जाने, ये कहते थे कि साइंटिस्ट इज सुपीरियर देन गॉड। इनका कहना ये था कि वैज्ञानिक भगवान से भी ऊपर है, जबकि ये भूल गए थे कि वैज्ञानिक वो एक सच्चा इंसान हो सकता है जो उसे सामने दिखाई दे रहा है, रियलिस्टिक हो सकता है कि जो उसे दिखता है वही मानता है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप नैनीताल नहीं गए तो आपको नैनीताल का तो पता नहीं, तो आप कहते हो नैनीताल नहीं है, या आप अपने परदादा से नहीं मिले तो क्या आपके परदादा नहीं थे? यानी कि जो चीज आप नहीं जानते हो वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कह सकते हो कि हम ये चीज देखी है, हम इस चीज को मान रहे, ये चीज नहीं देखी नहीं मान रहे, ये कह सकते। बाद में इनको रेक्टल कैंसर हुआ था और ये समाप्त हो गए थे, उनका शरीर पूरा हो गया था। लेकिन बीमारी किसी को भी हो सकती है, भगवान के भक्तों को भी हो सकती है, वैज्ञानिक कोई भी हो, सभी को हो सकती है बीमारी, का ये पार्ट है, शरीर समाप्त होने की एक विधि है, कोई सी विधि से भी शरीर समाप्त हो सकता है। लेकिन कुल मिला के हमारा ये कहना है कि जो AI ओपेरिन और JBS हेडले ने कहा था वही बात हमारी पुस्तकों में पहले से लिखी हुई है। समय को भी उन्होंने विभाजित कर दिया था और उन्होंने कहा पशु पक्षी ये सारे जीव भी बने इस तरह से क्रमिक विकास से बने, वो भगवान ने बनाए हमारे यहाँ, ये कहते हैं आप नहीं कहते हो, आप कहते हो गॉड ने बनाए, कोई किसी और नाम से पुकारेगा, लेकिन ईश्वर ने वो शक्ति की संरचना की और आप ईश्वर की व्यवस्था को डिनाइल नहीं कर सकते, भले ही आप कितने बड़े या कुछ भी। ठीक है, हम अपने पॉइंट पे फिर आ जाते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही सृष्टि का विस्तार हुआ, छोटे से अणु से, जैसे आप कहते हो ना एक परमाणु फिर अणु फिर कोलोइड सॉल्यूशन फिर पैरामीशियम अमीबा पैरामीशियम जैसा बना और फिर एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल विकास हुआ। परमपिता परमेश्वर ने सबको बनाया और सब में जीवन डाला और सर्वश्रेष्ठ बनाया ये मानव, ताकि इसके द्वारा आप उस तक पहुंच सके सारी यात्रा। और अगर आप नहीं पहुंच रहे, आप इस कर्म बंधन में फंस गए, तो आप पुनः यात्रा कीजिए फिर घूमिए। तो ये घूमेगा कौन, आपके शरीर में रहने वाली ये एनर्जी, ये ऊर्जा, इसे कहते आत्मा, ये घूमती है। आत्मा है या नहीं है इसमें आप संदेह नहीं हो सकता, बहुत सारे पुनर्जन्म के आप कहानी किस्से नेट पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे एक दोस्त थे राजकुमार, वीडियो देख रहे होंगे तो इस बात को गवाही देंगे, उनके पिताजी के पिताजी यानी दादाजी का पुनर्जन्म की खबर आई कि धामपुर जिला बिजनौर में श्री ब्रह्मपाल सिंह चौहान है कोई, वहां पे उनका जन्म हुआ धामपुर के पास उसी गाँव में, साजन के नाम से, छोटे से थे, टोपी पहनते थे। मैं उस समय 12th BSc पार्ट 1 में 89-91 की बात है होता था। वो कहते थे कि मैं तो बगवाड़ा ग्राम बिजनौर में है वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम धर्मपाल है। और जब उनको हम लाए थे तो गांव से 1 किलोमीटर छोड़ दिया था, वो अपने घर पहुंच गए थे। राजकुमार के पापा धर्मपाल जी उनको वो पहचान गए थे और बहुत सारे लोगों को पहचाना था, एक मंदिर उन्हें बनवाना था, वो मंदिर बन गया था, उन्होंने वो जगह पहचानी, मेरी आंखों का देखा हुआ है। और वो 9 साल बाद जन्म हुआ था, हमारे पापा जी को भी उन्होंने पहचान लिया था। तो इस चीज ने कि कोई व्यक्ति 9 साल पहले मरा, आज एक बच्चा पैदा हुआ है जो अच्छी खासा है, उसको हमने कुछ पढ़ाया लिखाया तो नहीं, कुछ समझाया तो नहीं, वो कैसे उनके बारे में बता रहा है? बीच का उनको कुछ ध्यान नहीं था 9 साल के गैप का। तो इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि इस शरीर के अलावा सिस्टम है। जो लोग कहते हैं शरीर खत्म सब खत्म, वो पुनर्जन्म की घटनाएं ध्यान से पढ़ें और देखें, उनके फैक्टर को देखें, हमने देखी है, तब हम यहाँ इस भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर है, उसकी व्यवस्था है। और उसकी व्यवस्था को पहचानने के लिए हमने ये माला ली और जो जो मंत्र ध्यान जो भी विधि हमें जहां से मिली, हमारे गुरुदेव से मिली, उसमें हम लगे। दिन में हमने सामान्य कार्य जो हमारे गृहस्थी को पालने का है
हमारी जॉब है, हम जॉब करना, जो भी हमारे नित्य कर्म है वो करना, जो हमारा एक नाटक है, एक कर्मचारी होने का, एक इंचार्ज होने का, एक पिता होने का, एक पति होने का, एक बेटा होने का, एक सेवक होने का, वो हम पूरा निभाते हैं। और शाम के समय के बाद ये रात में 11, 12 बजे, 1 बजे फिर हम इस साधना में लगते हैं और कोशिश करते हैं उस सच्चाई को जानने की। उसी कोशिश के तहत एक विचार आया, अपनी जो ग्रंथ है उनको अध्ययन किया जाए और आप सब लोगों तक एक संक्षेप में पहुंचाया जाए। उनका अध्ययन करने के बाद नट एंड सैल में सारांश निकाल उसके तहत ये भागवत आप तक पहुंचे। खैर, अब हम मूल कथा पे आते हैं। मूल कथा में उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा एक सूरज है, ऐसे लाखों सूर्य भगवान ने बनाए। आज अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक सूरज नहीं, बहुत सारे सूरज, ऐसी पृथ्वी भी है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसी लाखों पृथ्वियां हैं, इनको अभी ढूंढना बाकी है। कुल मिला के फिर कहानी है, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की सारी कहानी बताई, सब कुछ हुआ। फिर परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि मुझे भगवान के अवतारों की कहानी सुनाओ, कि भगवान ने अवतार कैसे लिया तो, और ये भागवत क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं भागवत का मतलब है भगवान की कथा, उस परमेश्वर की कथाएं, उस परमेश्वर की कहानियां, उस परमेश्वर का गुणगान भागवत होती है। और उसको करने से क्या होता है, प्रेम जागृत होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, फिर आप उसमें जुड़ जाते हैं। हुआ यूं कि जब ये दो मनु को जब उन्होंने उतार दिया उनकी पत्नी सहित, मनु ने कहा हम रहे कहां ब्रह्मा जी, पृथ्वी में तो चारों तरफ पानी पानी है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे चारों तरफ पानी पानी है, बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम रहोगे कहां। तो उसी समय उनकी नाक से एक अजीब मानव का जन्म हुआ जिसका सिर बरहा जैसा था, आप सुकर कह सकते हैं, स्वर कह सकते हैं, ऐसा था वो, आकार में बड़ा होता चला गया। और वो जो जल था उस जल में प्रवेश कर गया। ये बरहा भगवान थे। और आपको बता दें कि बरहा भगवान का प्रकाट्य जहां हुआ था उस जगह को आज भी सोरो कहते हैं, वहां कुंड बना हुआ है, ये हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां पर तुलसीदास जी महाराज को ज्ञान हुआ था, उन्होंने रामचरितमानस सरल भाषा में लिखी थी। तो बरहा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और जब वो अंदर गए वो पृथ्वी को रसातल से लाने लगे, यानी कि पृथ्वी का अपने जो उनके दो दांत थे उन पर, तो हिरण्याक्ष कशिपु नाम का एक राक्षस था, हिरण्याकश्यपु, उसने, वो भी एक राक्षस वहां जल में घूम रहा था, उसने कहा अरे अभी तो मैं अकेला था, दूसरा कौन आ गया, अजीब सा प्राणी। तो उसने उन्हें ललकारा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, पृथ्वी को लाके उन्होंने सेटल कर दिया। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अरे, हिरण्याकश्यपु ने कहा अरे तू है कौन, और ये पृथ्वी को तूने लाके ऊपर कैसे रख दिया, अरे इस पे तो हमने कब्जा कर रखा है, इसे तो फुटबॉल बना के हम खेलेंगे, इतने बड़े बड़े जीव जो पृथ्वी को फुटबॉल बनाए, जल में रहने वाले और थल में भी आ जाए। खैर, भगवान विष्णु का, क्योंकि भगवान विष्णु हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरहा भगवान जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका युद्ध हुआ, उन्होंने हिरण्याकश्यपु को वध कर दिया, वध का विवरण बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और उसका भाई हिरण्याक्ष जो प्रह्लाद के पिताजी हुए हैं वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, यहीं से उनकी दुश्मनी भगवान विष्णु से हो गई थी, वो कथा हम आगे बताएंगे। इसमें यहां बरहा भगवान ने पृथ्वी को स्थिर किया,
इसलिए ब्रह्मा भगवान को पृथ्वी का हेड भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं। और जिन लोगों को जमीन संबंधी तकलीफ हो वो ओम श्री ब्रह्मा भगवान नमो नमः, ओम श्री ब्रह्मा भगवान नमो नमः का जाप करें तो वो दूर हो जाता है। ब्रह्मा भगवान अब पृथ्वी मिल गई, अब मनु महाराज पृथ्वी पर अपना उन्होंने जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। और इसी में आगे प्रहलाद की कहानी, ध्रुव की कहानी भी आई। प्रहलाद की कहानी संक्षेप में अभी ये है कि प्रहलाद भगवान के भक्त थे, हिरण्याक्ष द्रोही थे क्योंकि हिरण्याक्ष के भाई थे वो, और इनका किस तरह से क्या हुआ आपको भी पता है, लेकिन पूरी कहानी अगले चैप्टर में आएगी, अगले अध्याय में आएगी, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये इसमें हमें भगवान ने बताई कि जो भगवान थे ब्रह्मा भगवान कैसे थे। ब्रह्मा भगवान जो थे काफी विशाल थे, उनका सिर सूकर जैसा था और नीचे मानवीय रूप में थे। तो इससे हम कह सकते हैं जो आप जब लाइफ की उत्पत्ति देखते हैं ना उसमें और क्रम से विकास, वो भी कहीं ना कहीं इन कहानियों में हमको बताया जा रहा है। खैर, ब्रह्मा भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया, ऋषियों ने ब्रह्मा भगवान की बहुत पूजा की, और अब ये पूछते हैं परीक्षित जी ये राक्षस कहां से आ गया था। ब्रह्मा भगवान प्रकट हो गए पृथ्वी लाने के लिए मान लिया, लेकिन ये जो राक्षस है हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप को आप कह रहे हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को जो है हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये कहां से आ गए। तो वो कहते हैं कि हुआ ये था कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रचाई थी उसमें ऋषि भी थे। उन ऋषियों में एक ऋषि जो थे कश्यप ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां थी अदिति और दिति। दिति ने एक बार ये कहा कि उनको पुत्र चाहिए, लेकिन वो समय खराब था। ऋषि ने अपनी पत्नी के आग्रह पे और जिद पे उन्हें पुत्र तो प्रदान कर दिया, एक ही जगह दो पुत्र तो हुए, लेकिन वो समय और घड़ी ठीक नहीं थी, जिसके फलस्वरूप और उनकी भावना भी ठीक नहीं थी दिति की, जिसके फलस्वरूप वो राक्षस हुए। और वो राक्षस जब हुए तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कहलाए। राक्षस क्यों हुए, हुआ ये था कि जो अपने संकादिक ऋषि हैं एक बार वो भगवान विष्णु लोक पहुंचे, और वहां पे दो जो पहरेदार थे जय विजय उन्होंने उन्हें रोक लिया। सरकादिक ने कहा विष्णु लोक में सब भगवान विष्णु जैसे होते हैं, और जो यहां आ गया तो वो भक्ति होगा, और उन्हें पक्षपात तो करते नहीं कि ये भक्त जाएगा ये भक्त नहीं जाएगा। वो सरकादिक 6 साल के छोटे बच्चे जैसे ऋषि हैं, उनकी ना तो उम्र बढ़ी ना घटी, क्योंकि वो बचपन में ही भगवान को प्राप्त हो गए थे, स्वयं शरीर वो सब जगह सब लोगों में जाते हैं। अब चूंकि उन्होंने रोक दिया था उन्हें जय विजय ने, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम यहाँ पे भगवान विष्णु के लोक पे रहने लायक हो नहीं, जाओ तुम राक्षस बने। जब भगवान विष्णु आए तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु हमें तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए था, हम तो शांत आपकी से भक्ति में रहने वाले, हमें क्रोध आ गया, हमें क्षमा करो, और हमने आप जैसे पार्षदों को आपके पार्षदों को ऐसे कह दिया। भगवान विष्णु ने कहा ये मेरी लीला है, यानी जो परमपिता परमेश्वर है उसकी लीला से ही सब कुछ होता है। देखो ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी डूबी हुई थी रसातल में तो ऐसे प्लान नहीं किया था कि एक ऐसे सूकर रूप में एक अवतार हो जाए ना, ऑटोमेटिक है। जो काम स्वतः होते हैं वो सारे ईश्वर के होते हैं, आप जोर लगा के जो काम करते हो वो आपके होते हैं, तो स्वतः होने वाले काम। सृष्टि भी ऑटोमेटिक चली किसकी प्रेरणा से, उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से। देखो आप आज अपने विचार जीवन में करो, आपने जो प्लानिंग करी होगी सब उस तरह से नहीं होता, कुछ ईश्वर का भी होता है, ठीक है।
कभी कभी कोई चीज आपके प्लान के हिसाब से नहीं होती तो समझो ईश्वर के प्लान के हिसाब से हुई है, ईश्वर के विचार के हिसाब से हुई है। जब सृष्टि बनी थी ब्रह्मा जी को भी इतनी फ्रीडम सिर्फ नहीं मिली थी कि वो सब कुछ वैसे ही बना दे, बार बार कभी कुछ बना फिर नष्ट किया, फिर हुआ तब जाके सर्वश्रेष्ठ मानव काया बनी। अब कश्यप जी की जो दीदि और अदिति थी, उन कश्यप जी ने ये तो ये पैदा हो गए थे दो राक्षस, कहां से हो गए थे? जो जय विजय थे श्राप से जो गिरे थे वो पहले ये हिरण्यकश्यपु बने थे, विष्णु जी की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये फिर रावण और कुंभकर्ण बने थे, उसके बाद वक्तंत बने थे और उसके बाद ये इनका मुक्ति हो गई थी और तीनों समय में शिशुकाल और वक्तंत के रूप में बने लास्ट में, और तीनों समय में जब भगवान के द्वारा ये मारे गए फिर ये पुनः भगवान के लोग चले गए थे जय और विजय, जो पार्षद थे भगवान विष्णु। खैर इस शाप की वजह से सब घटना घटी, लेकिन सब भगवान की खुद की लीला थी, उन्हें वैकुंठ में जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जो जन्म हुआ था तब आप समझो कि सारी विपरीत परिस्थितियां हो गई थी और ये देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास जाके घबरा के रोने लगे थे, कहने लगे थे राक्षस आ गया, खाना पीना सब बंद हो जाएगा हमारा, क्योंकि इंसानों को ये पनपने नहीं देगा, मानवों को ये पनपने नहीं देगा, पूजा पाठ होगी नहीं, हमारा लाभ कैसे होगा। आप देखो जितने भी शैतान के लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के शैतानी प्रवृत्ति के, सबसे पहले वो पूजा पाठ रुकवा देते हैं, हवन पूजा पाठ रुकवा देंगे, क्योंकि हवन और पूजा पाठ से क्या होता है देवों की शक्तियां बढ़ती हैं जो आपको शक्तियां देते हैं, जब रुक जाएगा तो आप निर्बल हो जाएंगे। तो कुछ भी परिस्थिति हो हवन और पूजा पाठ कभी नहीं रुकना चाहिए। अब हिरण्याक्ष वध तो हो गया, हिरण्यकशिपु का किस तरह से होगा वो इन फ्यूचर भविष्य में हम आपको बताएंगे। तो अभी तक हम तृतीय और द्वितीय अध्याय में किस किस में आए, प्रभावतार, हिरण्याक्ष का वध और सृष्टि की रचना किस तरह से हुई, ये इस सब चीजों में बताया गया है। एक चीज और, जो सबसे बड़ी चीज इसमें समझाई गई है वो ये समझाई गई है कि सब कुछ कर्ता धर्ता कौन है, वो परमपिता परमेश्वर है, उसी की कृपा से सब कुछ होता है, उसी की कृपा से ये कहानी, उसी कृपा से भागवत, उसी कृपा से हमारा जीवन, उसी कृपा से आपका जीवन। एक बार फिर ये कहते हुए भगवान प्रभा भगवान को ध्यान करते हैं, जिनके बिजली के समान दांत है, जिन्होंने अपने दंतों पर पृथ्वी का रखा हुआ है, पृथ्वी को स्थापित किया हुआ है, और जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया है जो मानवों को धर्मियों को समाप्त कर रहा था, हम उन भगवान बरहा की बार बार वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करें और हमें कभी रहने संबंधी, स्थान संबंधी, गृह संबंधी, इस तरह की आश्रम संबंधी कोई समस्या ना हो, आपको भी ना हो, आप पर भगवान की कृपा ऐसी। इसी के साथ आज का जो मुख्य जो बिंदु है वो डिस्कस करते हैं, वो ये है कि सूक्ष्म जीव से बड़े जीवों की संरचना, जो आज साइंटिस्ट लोग कहते हैं जीबीएस हेडली ने की या एआई ओपेरी ने की, वो हमारी पुस्तकों में से पहले लिखी हुई है, और हमें भगवान की सृष्टि पर और भगवान की उपस्थिति पर शक नहीं करना चाहिए। फिर जितने भी कर्म हैं वो सब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, अपनी बुद्धि वो भी हम परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपने ये पूजा और ये कथा भी हम उनको समर्पित करते हैं,
भगवान आप सबको सुखी रखे। अगर आपने पूरी कथा सुनी है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान की कृपा पर बनी रहे। अगली कथा में हम तृतीय स्कंध की बची हुई जो सारांश है वो आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। Oh.